भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। आज फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की अंतिम तिथि है। बता दें कि 10 वर्ष अधिक समय से पहले जारी किए गए आधार कार्ड को फ्री में अपडेट किया जा रहा है, लेकिन आज यानी 14 सितंबर के बाद आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। भारत में आज यानी 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि वर्तमान में हिंदी भाषा दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। आरआरबी की ओर से एनटीपीसी भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2024 से शुरू कर दी जाएगी, जो 13 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। बता दें इस भर्ती के माध्यम से कुल 11,558 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में मामलों का निस्तारण एक ही दिन में ही होता है। यहाँ के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आज यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आंसर की 2024 ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एग्जाम डेट्स के हिसाब से आंसर की जारी की है। बता दें 23 अगस्त 2024 को हुई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की आंसर की पहली की रिलीज कर दी गई है। अब 24, 25 और 26 अगस्त 2024 को हुई भर्ती परीक्षा की आंसर की अपलोड की जाएगी। आज रांची में कर्मा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर हेमंत सोरेन को प्रतिनिधि मंडल द्वारा रांची के हरमू स्थित अखाड़ा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में प्रधानमंत्री सहित काफी संख्या में वीवीआईपी के आगमन को लेकर जिला पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध भी रहेगा। आपको बता दें कि रैली स्थल से लेकर 2 किलोमीटर तक की दूरी तक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा में 4 दशक बाद होने वाली रैली में चिनाब वैली के 8 विधानसभा हलकों के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रांची आएंगे। बता दें इसके बाद महाप्रबंधक डीआरएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आज फिरोजाबाद एटा में लगा भारी बारिश का अलर्ट। बता दें कि बीती रात ब्रिज में हुई भयंकर बारिश के चलते लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1960 में आज ही के दिन खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। साल 1833 में आज ही के दिन विलियम बेंटिक भारत में पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। साल 1901 में आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साल 1917 में आज के दिन रूस आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र घोषित हुआ था। साल 2000 में आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एमई की लॉन्चिंग की थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।